हाँ जी, वेलकम टू स्टार अकैडमी फॉर कंपीटेटिव एग्जाम। तो देखो, पिछले कुछ दिन तो अपनी जी वीडियो है ईटीटी 1994 वास्ते जीडिया वो इस चैनल के उपर अपलोड नहीं की गई, और क्यों नहीं की गई, कुछ परसनली रीजन से जिंद वजह करके वाली वीडियो जीडिया अपलोड नहीं कर पाए। तो हूँ देखो, अज दोबारा फिर अज तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ईटीटी 1994 अपकमिंग वैकेंसी जी आ रही है उन्होंने वास्ते आर एस अग्रवाल का आप मैथ शुरू किया है, और उस मैथ दे विच आपां देखो अज एक नवा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और शुरुआत करते हैं एक नवे चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिन्हों पंजाबी दे विच आपां कहने हुंदे आ की कहना है कि निर्देशक अंक जमायती, पंजाबी दे विच की कह लैंदे आ निर्देशक अंक जमायती, ठीक है। तो यह की होएगी निर्देशक अंक जमायती, ठीक है। तो यह जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इनू आप बिल्कुल बेसिक तो जीरो लैवल तो स्टार्ट करा, और फिर अगे करते करते हाई लैवल तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जी है ये दो धुरिया के उपर टिकी है, टू एक्सिस के उपर इन आप डिफाइन करते हैं। भी किए करते हैं, देखो आ जी हॉरीजेंटल लाइन होंगी है ना, एक के वाली और एक जी नीचे वाली लाइन वर्टिकल लाइन, ये वाली हॉरीजेंटल लाइन होंगी है और ये वाली की है दूसरी जी है वर्टिकल लाइन है। तो देखो ये जी लाइन है इनू आप कहने एक्स एक्सिस, इनू आप कहने एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब कि पंजाबी दे विच की होता है इनू आप एक्स तुरा कह दें पंजाबी भाषा के, और उपर वाला जोड़ा इनू आप वाई एक्सिस कहने की कहना वाई एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर पंजाबी दे विच की कहने कि वाई तुरा, ठीक है, ये हों वाई तुरा। तो यह वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, इनू एक्स तुरा वाई तुरा। देखो ये उपर जिन्या भी जी लाइन आनगिया जिन्हें भी नंबर आएंगे वो एक्स वाले होंगे, और उपर जोड़ा वो क्यों होगा वाई वाला होगा, ठीक है। देखो एक्स दे जिहड़ा ए वाला है ना अपने कोल एक्स तुरे है, इहदे उपर जिहड़े नंबर होणगे ओह चलो सब तो पहले देखते हैं भी एक्स तुरे दे वाले नंबर वाई तुरे दे नंबर का की मतलब की है। आपां बिल्कुल बेसिक तो शुरू करते हैं इहदे पॉइंट तो ना, ये कहिंदा निर्देशक अंक, निर्देशक अंक की हुंदा है भी, ठीक है। ज्योमेट्री तो चलो अलग चीज़ है, पहले निर्देशक अंक मान के चलो आपां नूं कोई कहे कि एक पॉइंट है ना, जिहड़ी एक पॉइंट है मान के चलो इस पॉइंट का नाम ए है, जेकर इस पॉइंट का नाम ए है तो इस पॉइंट के दो निर्देशक अंक होंगे भी, ठीक है, वो किड़े किड़े निर्देशक अंक होंगे, एक तो एक्स हो जाएगा और दूसरा की हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक। क्लीयर भी सारे कि जो ये पॉइंट कोई ए है जो भी कोई पॉइंट की गल करता है तो आप पॉइंट के विच की मान के चलना है भी पॉइंट के कोई दो निर्देशक अंक होंगे, कि पॉइंट बढ़ता किमें है वो किमें बढ़ता हमने आप चेक करते हैं। तो ए पॉइंट है और ए पॉइंट के दो निर्देशक अंक है, एक एक्स और दूसरा वाई, तो आप चेक करते हैं भी किमें पता लगता है। देखो एक्स दी जिहड़ियां कीमतां इधर जिहड़ा ना ए वाला साइड राइट राइट साइड पर इनू आप एक्स कहते हैं, और ए वाला जिहड़ा हुंदा हुंदा ए एक्स डैश हुंदा है, उपर वाला वाई हुंदा नीचे वाला वाई डैश है, डैश का की मतलब है माइनस हुंदा है। देखो इधर जिहड़ियां कीमतां आ जिथे दोनों पॉइंट कटते हैं इतने एक्स की कीमत जीरो और वाई की कीमत भी जीरो है, इतने आप कहता भी एक ए वाला दो ए तीन है ए वाला चार है और ये वाला की है पांच है, तो यह एवं एक्स दीमत इधर आ गई। जेकर आप दूसरी साइड से चले जाइए तो इधर जोड़ा है इधर की आ जाएगा माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार और माइनस का पांच, ये वाली चीज़ है, ठीक है। उपर में देखिए जेकर तो उपरली साइड से देखो आप वाई दी कीमत आ जाएगा एक हो जाएगा ए दो हो जाएगा ए वाला तीन हो जाएगा ए वाला चार है और उपर की है पांच आ जाएगा, नीचे जाते हैं तो यह माइनस का एक आ जाएगा ए माइनस का दो आ जाएगा ए माइनस तीन और ये माइनस का चार, एवं करते करते माइनस पांच छे सत्त ये सारी माइनस दी कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो जेकर आप कोई कहे कि कोई पॉइंट पता करके दिखाओ उही ए पॉइंट कह दिंदा है कि कोई ए पॉइंट पता करके दिखाओ जिदे निर्देशक अंक दो कोमा तीन होना ना दो कोमा तीन होना, हुण दो कोमा तीन तो की मतलब निकलिया मैं तुहानू हुणे दस के हटिया कि पहले वाले नंबर वाला जिहड़ा हुंदा है ना उन्हों आप एक्स मान के चलते हाँ और दूसरे वाले नूं की है वाई मान के चलते हैं। चलो तो यह पॉइंट आप इतने देखते हैं भी ये पूरी जी टू डिमेंशनल ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਔਰ ਇਧਰ ਜੇਕਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਚੌਥਾਈ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਥਰਡ ਚੌਥਾਈ ਹਨਾ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਚੌਥਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੌਥਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੁਣ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 1 2 ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ 1 2 ਆ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਲੱਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਪਲੱਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ 2 ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ y ਕੁਝ y ਕਿੰਨਾ 3 ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ y ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ y ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ 3 ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ 3 ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ 3 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ x ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਹੈ y ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ 2 ਔਰ 3 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ 3 ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਔਰ 3 ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਔਰ 3 ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 2 3 ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ 3 ਕੋਮਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਔਰ 3 ਤਾਂ P ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 3 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ x ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ y ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ p ਆਪਾਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ x ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ x 3 ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ 3 ਔਰ y ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 y ਮਾਈਨਸ 2 ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆ 3 ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ x ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਹੈ ਔਰ y ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਚੌਥੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਥੇ x ਔਰ y ਦੂਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਆ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ O ਤੋਂ ਭਾਵ ਓਰੀਜਨ ਹਨਾ ਓਰੀਜਨ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਔਰ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਕੀਮਤ 0 ਔਰ y ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 2 3 ਆ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹੜਾ 2 ਤੇ 3 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਕ ਜਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ ਤੁਰਾ ਔਰ ਵਾਈ ਤੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਮਤਾਂ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ y ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ y ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ
कि जिवें आ माइनस कोई कोई पी पॉइंट है, मान के चलो पी के आर पॉइंट है, माइनस का दो और वो माइनस का तीन, तो देखो माइनस दो माइनस तीन आ रहा है, तो सिंपल तुम्हें पूछेगा कि इनू मतलब कि ड्रा किए बिना तुम दसो कि पॉइंट कितने एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता भी माइनस का दो पहले एक्स आ वाला इधर होएगा और वाई जो वाई माइनस का तीन नीचे वाला होगा, ये आपस के मैच कर जाएंगे कितने इतने जाके मैच कर जाएंगे, तो ये इतने जाके कि आपस के कट जाएंगे भी, तो चलो आप देखते हैं भी किमें है, तो मिला के देखते हैं आप कि पता लगेगा एक जो पॉइंट है माइनस का दो और माइनस का तीन है वो कितने जाके एग्जिस्ट करेगा भी, ठीक है ना, कि पॉइंट आ आर जो पॉइंट है वो माइनस का दो है और माइनस का तीन है कितने एग्जिस्ट करेगा। देखो आर दो एक्स पहले वाला की होंगे एक्स, दूसरे वाला की होंगे वाई, तो एक्स कि माइनस का दो आर है माइनस का दो, इनू एवं नीचे लैके आ जाओ भी नीचे ले जाके आ जाओ, एवं नीचे लै जाओ एवं उपर तक जाने की लड़ नहीं ना क्योंकि अपने माइनस का तीन है तो ये इनू मिला, तो ये आपस के फिर एवं जिथे कट कर गए वो अपना पॉइंट जोड़ा वो आर आ जाएगा, आर कि माइनस का दो थे माइनस का तीन, ठीक है। नैक्सट होर देख लें भी होर चेक कर दें आप, चलो तो होर आप देखते हैं ये वाला एक है ये दो है ये तीन है चार और पाँच भी, तो जेकर उन्हें अपन एवं कोई कोई एस पॉइंट देता वो कहेगा कि दो ते माइनस पाँच पता करो, तो पता है सारे भी आह वाला दो जिहड़ा ये दो की है एक्स की कीमत है और ये माइनस का पाँच की है ये वाली वाई की कीमत है, तो एस एक्स बराबर दो भी एक्स दो कितने है आह वाला आ रहा एक्स दो रहा, फिर वाई माइनस का पाँच कितने वाई माइनस पाँच उन्हें आपस के मिलाने हैं तो यह किमें मिलने भी एनू एवं बढ़ा दिता जाएगा एनू एवं बढ़ा दिता जाएगा, ये दोनों आपस कितने टकरा गया इतने, तो ये वाला एस पॉइंट आ गया और ये पॉइंट की बढ़िया दो ते माइनस का पाँच, ठीक है। तो यह सारी की सी बेसिक जान इंट्रोडक्शन सी निर्देशक अंतिम आयति की, तो इस तो बाद हम आप करते हैं अगे जोड़ा है वो की करा आप फार्मूला करा डिस्टेंस फार्मूला जोड़ा कि ई टी टी 94 को पूछा जा सकता है, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया सी है ना, तीन तीन चीज़ा होंगे भी इस पूरी निर्देशक अंतिम आयति दे विच कि एक तो डिस्टेंस फार्मूला दूरी फार्मूला जिन्हों कहने पंजाबी दे विच विभाजन सूत्र कहा जाता है, फिर उस तो बाद अगे आ गया सैक्शन फार्मूला, यानी कि सैक्शन फार्मूला क्या होंगे जो दो दो एक लाइन दो हिस्सों के मतलब कि कटिया जाता है ना सैक्शन, और एक होएगा तुहाडे कोल कि तीन पॉइंट दिते होणगे और उन्होंने पॉइंटा के अकॉर्डिंग उस ट्रायंगल का जिहड़ा आपां की पता करना है एरिया पता करना है, ठीक है। तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं जिहड़ा वो नवा टॉपिक जिहड़ा इहदे विच ही डिस्टेंस फार्मूला। चलो जी तो आप जरा देखते हैं नैक्सट डिस्टेंस फॉरमूला, डिस्टेंस फॉरमूला तो जिन्हों पंजाबी दे विच आपां कहने कि विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो देखो हुंदा की है कि आपां कोई दो पॉइंट दिते होणगे, पहला पॉइंट अपने कोल होएगा जिवें कि आ ए पॉइंट है और ये जेकर ए ए पॉइंट है चलो कोई, और दूसरा की अपने को पॉइंट की है दूसरा जो पॉइंट है वह बी है, अच्छा जेकर ए एक पॉइंट है तो ये कोई निर्देशक अंक होंगे भी एक्स होएगा और दूसरा की है वाई है, जेकर बी पॉइंट है तो इस भी कोई दो निर्देशक अंक होंगे कि पड़ा वो एक एक्स होएगा और दूसरा की है वाई होएगा, तो वो पूछ रहा है कि इन दोनों की जी है विचकारली दूरी पता करो, आ ए पॉइंट है और ये वाला जोड़ा ए की है ये बी पॉइंट है, तो इन्हों की कहना कि विचकारली दूरी पता कर दो भी, सॉरी विभाजन सूत्र नहीं है दूरी सूत्र कहते हैं, सॉरी 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 तो सैक्शन फार्मूला होंगे जोड़ा वो होंगे विभाजन सूत्र भी, तो यह दूरी सूत्र है डिस्टेंस फार्मूला, है ना पिछले भी शायद मैं गलत तो भूल गया सी कि डिस्टेंस फार्मूला विभाजन विभाजन नहीं दूरी फार्मूला, तो देखो जेकर यह है ये पहले नंबर पर है बी दूसरे नंबर पर है तो ये जो एक्स में आप एक्स वन कहने हैं इन वाई वन कहने हैं जिहड़ा दूसरे नंबर वाला इन एक्स टू कहने और इन वाई टू कहने हैं, तो ए बी का फार्मूला की होंगे ए और बी का जो डिस्टेंस एन एवं रिप्रजेंट करना है, और फार्मूला की है अपने को फार्मूला की निकल के आएगा, देखो दो ब्रैकट शुरू कर और वाला जो सब तो पहले स्केयर रूट का निशान दो ब्रैकट शुरू कर लेने क्योंकि आ दो ब्रैकट है एक ए वाली है और एक ए वाली है एवं रख लेना, तो
दूरी का मतलब की है कि इतों लैके एने तक तो जोड़ हो जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा तो प्लस कर देना है। और इतने जेकर आप ला दिता कोई स्केयर रूट लाया तो इन हटाने वास्ते इतने स्केयर भी लावे भी आ स्केयर ला दिता ना को हूँ बचा कि इतने जो डाटा बच गया अगला एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो आप बस एक्स टू के एक्स वन माइनस कर देंगे एक्स टू माइनस द एक्स वन वाई टू माइनस द वाई वन तो अपने को देखो फार्मूला की बनया कि ए बी डिस्टेंस है वो कि होएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर और इन सारे का स्केयर रूट ए अंडर रूट बन जाएगा भी ठीक है। तो यह अपना की निकल के आया दूरी फार्मूला भी तो देखो ये सारिया चीज़ा जी दोबारा फिर मैं कह रहा कि जरूरी नहीं है भी ये सारे अपन फार्मूले आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करांगे पेपर दे विच तो जरूरी होएगा थोड़ा भी अपन फार्मूला लिखना शुरू लिखना पड़ेगा। ये सारा वैसे तुम्हें समझाने वास्ते है लेकिन पेपर दे विच तुसी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना है शॉर्ट चीज़ों का किवें प्रयोग करना है कि चलो आप दस दें पहले अपन जेकर सुनो भी इतने कोई पॉइंट ए है ये दो और तीन निर्देशक अंक है बी अपने को जिहड़ा है वह किन्ना है वह चार ते चलो सत्त ला लो भी तो वह अपन पूछ रहा है कि इन्ह दो की दूरी पता करके दिखाओ इन्ह दो पॉइंटा की जी है वह वाली की है वह दूरी पता करके दो ए और बी की तो अपन पता भी पहले वाला एक्स वन है ए वाला वाई वन है ए एक्स टू है और ए वाला वाई टू है तो अपना फार्मूला जो निकल निकलिया भी फार्मूला किसी का कि रूट का निशान पावे और एक्स टू माइनस है तो तुम सिंपल चैक करा करो कि पहले दे पहला माइनस करना है तो चार दे दो माइनस किए पावर दो प्लस सात दे तीन माइनस करे सात तीन माइनस करे पावर दो तो उस तो बाद की बनया भी चार दे दो गए दो और दो का स्केयर किया चार प्लस सात तीन गए चार और चार का स्केयर किया चार चौके सोलह सोलह और चार कि बनया भी तो इस भी अगर होर थोड़ा जहा वंड लो भी की करेंगे दो दो दुनी चार चार पांचे भी तो आ दो बार निकल के आएगा ना स्केयर रूट के बार कट दिया जिन्हों का जोड़ा बन जाएगी जिन्हों का पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाता होंगे तो दो बार आ जाएगा बेच कि रह जाएगा पाँच तो यह अपना आंसर कि बन गया दो रूट पांच इकाइया इन आप कहने दो वर्गमूल पांच इकाइया या फिर दो रूट पांच यूनिट कहने ठीक है। तो देखो हूँ आप इस क्वेश्चन के मैं तुम्हें फार्मूला समझाने वास्ते दसिया लेकिन आप फिर इस फार्मूला अपलाई किया भी आ वाला एक्स टू है पहले वाला एक्स वन हूँ एक्स टू के एक्स वन माइनस किया वाई टू के वाई वन माइनस किया और उपर पावर दो ला दी तो इन्होंने माइनस करके स्केयर कर दिता पर पेपर के नहीं करा आप एवं पेपर के एवें दौड़ा करा कि आप ब्रैक्ट पावे कुछ नहीं करना पेगा तो सिंपल जहाँ तुम्हें फार्मूला याद होगा तुम चार के दो माइनस शॉर्टकट किवें बनते होंगे शॉर्टकट अपने आप ही बनते हैं भी जो आप देखो आ सारा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन आप करना एवं हल नहीं करना आ सारा हल नहीं करा अपने दिमाग के फार्मूला होएगा कि एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि दूसरी ब्रैकट के पहले अखर के पहली ब्रैकट का पहला अखर माइनस करना है और दूसरी ब्रैकट के दूसरे अखर के पहले ब्रैकट वाला पहला अखर आप माइनस करना है भी तो फिर जाके इन्हों की कैलकुलेशन कर देनी है तो देखो किवें करना होगा जेकर आप सिंपल जहाँ फार्मूला बनाना है सिंपल शॉर्टकट एक तो ही शॉर्टकट बनते होंगे भी है शॉर्टकट शॉर्टकट की है कोई शॉर्टकट का कुछ खास नहीं होता बस आपको एक चीज़ पता भी लास्ट के आप रूट करना है तो रूट कि करना है देखो चार दे दो गए दो दो का स्केयर किया तो चार चार लिख लो और सत्त दे तीन गए चार और चार का स्केयर कर सोलह सोलह और चार भी बस इतने गल खत्म तो सोलह के चार भी फिर दो दुनी चार पाँच भी तो दो बार आके और बेच कि निकल जाएगा पाँच बन जाएगा भी ठीक है। तो एवें जाके आप इस क्वेश्चन हल करना होंगे भी क्लीयर है सारे तो आई होप कि तुम इस चीज़ की पूरी समय लग जाएगी दूरी फार्मूले की और शॉर्टकट किवें पता करना है वो सारा कुछ ठीक है। तो नैक्सट क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना है तो फिर मैं तुम्हें समझा देंगे भी अपना नैक्सट क्वेश्चन लिखते हैं दूरी फार्मूले का नैक्सट जो क्वेश्चन है वो तुम खुद ट्राई करके देखोगे एक बार वीडियो में पॉज करके और उस तो बाद फिर की है इन मैं तुम्हें समझा देंगे अपने कोई पी पॉइंट है वो माइनस का दो और तीन है और एक पॉइंट अपने को क्यू है भी और वो वाला पॉइंट जोड़ा है वह कहना है वो चार और दो है भी तो इस चीज़ का तुम की करो ये पी पॉइंट हो गया ये वाला क्यू पॉइंट हो गया और इन दोनों का की है ए पी क्यू की जी है वो तुम दूरी की है पता कर लेनी वीडियो में पॉज करना पर पॉज करन तो बाद जोड़ा है करोगे करके फिर मैं इन करवाव और तुम इन मैच कर लोगे भी
चलो ठीक है ना, आई होप कि सारे ने वीडियो नु पॉज कर लिया होगा, पॉज करके नु हल किया होगा, तो अपने क्वेश्चन के नाल तुसी मैच करने की कोशिश करो, देखते हैं भी होंदा है कि नहीं। तो मैं तुम्हें शॉर्टकट दसा भी आप करना कुछ नहीं है। सब तो पहले आप देखो दो ब्रैकट, चलो दो ब्रैकट के चार के दो माइनस माइनस के दो माइनस करने हैं और फिर दो दे तीन माइनस करने हैं, ठीक है। तो इनको चलो देख लो थोड़ा जहा माइनस वाले आया थोड़ा ध्यान रखा करो। तो आपको पता कि दो ब्रैकटा तो पानी ही पानी है, उपर स्केर ही पड़ना है। देखो चार विचों किन्ना माइनस करना है, भी चार दे विचों माइनस किन्ना करना है, चार दे विचों माइनस माइनस दो करना है। तो जो ये दे विचों माइनस दो उपर करना है तो इन थोड़ा जहा एक और ब्रैकट के रख लो माइनस का दो, फिर दो दे विचों किन्ना माइनस करना है, भी दो दे विचों माइनस तीन करना है। तो चलो देखो किवें आ चार बनया हुण, माइनस और माइनस की हो गया माइन। देखो जो भी की हुंदा हुंदा है पुरानिया जिन्या भी वीडियो है ना इन्होंने सारे मैं तुम्हें दस चुका, जेडे अज पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं वो जेकर ईटीटी 5994 की प्रैपरेशन कर रहा तैयारी कर रहा है तो एपी तो मैं स्टार्ट किया, एपी तो शुरुआत की है। एपी वगैरह जेडे लगातार कर रहे उन्होंने हर एक चीज़ पता है भी आ माइनस तो माइनस प्लस किवें होंगी है, प्लस माइनस माइनस किवें होंगे, ये सारिया चीज़ा पुरानिया वीडियो के दी हुई, ठीक है ना। तो देखो जो माइनस में माइनस न करा तो की हो जाएगा, एक माइनस में माइनस ना गुणा किया तो एक प्लस बन जाएगा भी और उपर पावर दो। दूसरी गल कि अब देखो दो प्लस प्लस दे जे अगर कुछ नहीं लगे तो प्लस दे और तीन माइनस दे है, तो यह भी तुम्हें पहले दस होया कि जो एक माइनस दवे एक प्लस दवे, यानी कि माइनस का मतलब है तीन रुपए किसी के देने हैं और दो का मतलब की है कि दो रुपए जोड़े है वह अपने कोल है भी, तो फिर तीन रुपए दे रहे दो अपने कोल है तो दो आप दे देंगे, एक रुपया देने वाला रह जाएगा, देने वाला रह जाएगा मतलब कि माइनस का एक रह जाएगा, तो पावर दो। चलो हूँ नैक्सट देख लेने, देखो चार और दो छे बनेगा, छे का स्केयर किया तो छत्ती बन जाएगा भी, ये छत्ती प्लस आ वाला, तो माइनस एक की पावर दो माइनस एक की पावर दो, यानी कि माइनस एक का स्केयर यदा कि मतलब निकल के आया, यद मतलब ही निकल के आया कि माइनस एक का स्केयर यानी कि माइनस एक गुणा माइनस एक यानी कि दो बजे एक गुणा एक एक हो जाएगा और माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस का एक बन जाएगा और अपना जो आंसर है वह रूट के कि आ जाएगा सैंती आ जाएगा। तो आई थिंक कि तुम सारे ने रूट सैंती आंसर कढ़िया होगा, जेकर किसी ने नहीं कढ़िया तो उसमें फिर माइनस वाली दिक्कत आई होगी, तो जो माइनस वाली दिक्कत आई है तो मैं कमेंट सैशन के दस दो उस आप बिल्कुल शॉर्ट वीडियो कि माइनस माइनस प्लस किमें होंगे वो भी क्रिएट कर देंगे। तो सारिया चीज़ें तो आप ही बता है, जेकर रिस्पोंस दोगे कमेंट के सानू इतों नहीं समय लगती या कि चीज़ में किमें करवाया जाए, ठीक है। तो हूँ अगे थोड़ा जहा होर क्वेश्चन देखते हैं आप, हाँ जी। तो हम ना एक और क्वेश्चन करोगे खुद ट्राई करोगे वीडियो में पॉज करके फिर मैं तुम्हें समझा देना भी, ठीक है। तो तुम दसोगे मैं कि यह कोई पॉइंट है वो माइनस का दो और माइनस का तीन है, बी पॉइंट है अपने को बी पॉइंट जोड़ा वो माइनस का चार और माइनस का एक है, तो इन्ह दो पॉइंट्स की आपस की जी है विचकारली दूरी पता करनी है कि एक किन्ने दूर है दूसरे तो, ठीक है। तो तुम करो मैंने पॉज करके वीडियो में करने की कोशिश करो। तो चलो ठीक है भी, आई होप सारे ने पॉज कर लिया होगा वीडियो में, उस करेगा अपना आंसर मैच करो तो आप कर दें हल कर दें। देखो अपने को है कि ए वाला ए है और ये बी है, तो इन्होंने विचकारली दूरी का फार्मूला तुम्हें सारे पता है कि दो ब्रैकेट होंगी है और उन्होंने प्लस का निशान होंगे और उपर की है स्केयर होंगे, तो यह पहले वाले के पहले वाला माइनस करना होंगे, दूसरे के दूसरे वाला माइनस करना, तो माइनस चार के आप माइनस करने किन्ने माइनस के दो माइनस करने करके ब्रैकेट के रखा, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक चीज़ होर भी, ठीक है, थोड़ा जहा जेकर ध्यान होर देखा जाए। देखो ए देखो कि मैं तुम्हें बोलिया आप करते हैं दो ब्रैकटा पानी है उपर स्केयर का निशान पाना विच प्लस का निशान पाना। तो देखो जो भी सारिया देखो माइनस वाला जोड़ा होंगे ना नंबर उन्होंने स्पैशल ही ब्रैकट के बंद करके रख लिया करो, माइनस चार है तो इन खुद की छोटी जी ब्रैकट बना लो, एवं चलो चक्कर बना लो गोल चक्कर बना लो
माइनस का चार है इधर घटा की आप घटा है आ माइनस का दो इनू भी गोल चक्कर रख लो माइनस का दो चाहे गोल चक्कर रख लो चाहे माइनस च रख लो सॉरी ब्रैकेट च रख लो एक ही गल है तो हूँ माइनस एक के घटा तीन तो यह माइनस का एक है स्पैशल केस है ये घटा की है माइनस का तीन तो की घटा है तीन का माइनस का हल तो यह स्पैशल केस बन गया भी चलो देखते हैं हम माइनस का चार सेम रहेगा और यह माइनस जो गोल न खोलेगी तो यह प्लस कर देगी दो भी प्लस का निशान माइनस का एक है तीन सेम रहना लेकिन जो माइनस से माइनस टकरा जाएगियाँ तो यह प्लस बन जाएगा भी इस ठीक है हूँ दूसरी गल आ गई कि जो एक दे अगे माइनस आ प्लस है ये अगे माइनस आ प्लस है ये किवें कैलकुलेट करना होंगे तो उ गल मैं तुम्हें दसी हुई है कि जो इदा की कंडीशन बन जाती है तो फिर आप देखो माइनस चार का मतलब है माइनस चार रुपये किसी के देने हैं है ना माइनस चार का की मतलब है माइनस चार का मतलब है चार रुपए देने हैं भी किसी के और प्लस का मतलब क्या है प्लस दो का की मतलब होंगे कि दो रुपए जोड़े है वो अपने कोल है दो रुपए अपने कोल है अच्छा हूँ चार रुपये देने से दो रुपये अपने कोल है तो की मतलब निकलिया जी दो चार देने पहला घट तो घट दो रुपये तो आप जो देने देते ना दो हूँ किन्ने रह गए देने वाले दो रुपए देने वाले रह गए दो रुपए की रह गए देने वाले दो रुपए देने वाले जे देने वाले है तो देने वाले आप लिखने होंगे देने हैं देने वाले माइनस नहीं लिखते तो माइनस दो तो इस चीज़ में जो आप हल करेंगे तो वह कि निकल के आएगा माइनस का दो निकल के आएगा भी तो माइनस का दो निकल के आ गया उपर की है स्केयर ब्रैकट के उपर लगे हूँ गल फिर आ गई कि माइनस एक रुपया देना सी दो अपने कोल है तो एक दे देंगे हूँ एक अपने कोल बच जाएगा तो अपने कोल बच जाएगा तो मतलब कि आप कोल रखा प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस वाला एक है ये स्केयर हूँ मैं फिर तुम्हें यही गल दसी है कि माइनस दो का स्केयर का की मतलब है माइनस दो स्केयर का मतलब की है कि दो बार लिखना है माइनस दो गुणा माइनस दो दो गुणा दो चार बन गया लेकिन जो माइनस से गुणा माइनस आपस के टकरा जाते हैं तो यह प्लस बन जाता है जी ठीक है तो एक ही बन गया माइनस दो का जो स्केयर बनया चार बनया प्लस एक का स्केयर एक की पावर दो एक की पावर दो कर लो तो एक गुणा एक बराबर एक ही आ जाएगा तो अपना जो आंसर निकल के आया वो कि निकल के आया रूट के चार और एक पांच तो ये चार और एक पांच यूनिट है ना पांच इकाइया रूट पांच इकाइया इस क्वेश्चन का जोड़ा आंसर है भी ठीक है तो ये बेसिक क्वेश्चन से सिंपल से डिस्टेंस फार्मूले के तो जरूरी नहीं है कि अपन पेपर के बेसिक सिंपल जहाँ क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़ा जहा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है ठीक है ना तो हम किमें घुमा के पूछ सकता है एक क्वेश्चन आप भी करके करके देख लेंगे तो की है वो क्वेश्चन किमें पूछ सकता है वो क्वेश्चन एवं पूछ सकता है कि क्वेश्चन एवं पूछ सकता है कि बिंदु बिंदु पी दो चार दी मूल बिंदु तो दूरी पता करो मूल बिंदु तो दूरी पता करो भी दूरी पता करो तो मूल बिंदु तो दूरी पता करो ठीक है तो जेकर तुम्हें याद है पिछले वीडियो के पिछले लास्ट शुरुआत के तुम्हें दसाया गया कि मूल बिंदु की होंगे देखो मूल बिंदु अपने को होंगे भी आना वह होंगे है ना वो ओरिजन है जिन्होंने मूल बिंदु कहने हैं और इस बिंदु की एक खासियत है कि ये जो एक्स है वो वाला भी जीरो होएगा और वाई भी की हो जाएगा जीरो हो जाएगा और फिर की कहना है कि जेकर ये मूल बिंदु है तो ये दूरी कि तो पता करनी है इसकी पी तो पता करनी है और वो पी कि होगा भी पी कि है वाला कि दो और चार था बस इस पॉइंट की इस पॉइंट तो दूरी पता करनी है ठीक है ना एवं तो चाहे एनू तुम ड्रा करके देख लो एवं ड्रा करा तो ये वाला वो आ जाएगा जीरो जीरो होंगे भी जीरो जीरो पी कि दो ते चार यानी कि एक्स की कीमत एक तो दो होगी और उपर वाला चार होगा एक दो तीन ते चार एक दो तीन ते चार तो यह पॉइंट इतने टकराने कितने टकराने भी इतने तो इस पॉइंट ये पी बनया पी कि बनया दो कोमा चार बनया और ये वाला मूल बिंदु है तो बस आह वाली जी मैं दूरी पूछी है भी ये डिस्टेंस पूछा कि डिस्टेंस पता करने वास्ते हमने ही तुम्हें दस कि डिस्टेंस फार्मूला अपना की कहता है डिस्टेंस फार्मूला यही कहता है कि ओ पी पता करनी है
ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 0 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ 2 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 0 ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਔਰ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣਿਆ 4 ਔਰ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣਿਆ 4 ਚੌਕੇ 16 16 ਦੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 20 ਔਰ 20 ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 20 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 2 4 4 5 20 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 5 ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸਮਰੇ ਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 1 ਪੁਆਇੰਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਿੰਦੂ ਅਵਲਾ 1 5 2 3 -2 -11 ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮਰੇਖੀ ਹਨ ਕਿ ਹਨਾ ਸਮਰੇਖੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਕਲਿਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ 9894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀਗੀ ਵਾਇਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਵਾਇਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਯੂਕਲਿਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆ 2 ਆ 3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਕ ਜਮਾਇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਏ ਮੰਨ ਚੱਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ 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 ਕਿੰਨਾ 1 5 ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 3 ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 11 ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਏ ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏ ਬੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਚਲੋ 3 ਦੂਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ 1 2 ਆ ਗਈ 1 3 ਆ ਗਈ 1 5 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਆ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਨੀਅਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਰੂਟ 3 ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਰੂਟ 3 ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਰੂਟ 3 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ 2 ਰੂਟ 3 ਤੇ 4 ਰੂਟ 3 4 ਤੇ 2 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਰੂਟ 3 ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ 6 ਰੂਟ 3 ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ x2 x1 ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਪ x1 x2 ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਕੱਢਿਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 1 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ
तीन दे विचो पांच गए है ना, तीन दे विचो किन्ने गए, तीन दे विचो माइनस दे पांच दस के। देखो तीन पांच रुपये देने हैं, तीन अपने कोल है तो अपना आंसर की बन जाएगा, दो रुपये देने वाले रह जाएंगे, देने वाले मतलब कि माइनस वाले, तो एक दस केयर किया एक प्लस इतने माइनस दो दस केयर और ये कि बन जाएगा एक और प्लस माइनस दो दस केयर किया दो गुणा दो चार और ये सारा जो अपने को बन के आया रूट द पंज भी है ना, रूट पंज आ गया। नैक्सट हूँ बी तो सी देख लो, भी बी तो सी देख लो, तो बी सी किमें देखा माइनस दो और माइनस दो दे माइनस करा गया वाला माइनस का दो, चलो चेक कर लें भी तो माइनस दो दे दो माइनस कर लाँगे और उपर स्केयर प्लस माइनस दे ग्यारह और ये की करा माइनस तीन तो उपर स्केयर बन गया भी। चलो दो और दो दो रुपये देने वाले भी देने टोटल चार रुपये देने तो जो देने तो माइनस का होंगे अंदर प्लस और ग्यारह भी देने तीन भी देने तो ग्यारह तो तीन चौदह भी देने तो चौदह रुपये देने भी माइनस के चौदह यदा भी स्केयर तो चार चौके सोलह हो गया प्लस का चौदह गुणा चौदह एक सौ छियानवे हो गया और एक कि हो गया एक सौ ते देखो एक सौ छियानवे तो दो दो सौ दो और दस दो सौ बारह तो यह कि बन गया दो सौ ते बारह बनया भी। चलो ये अपने को कि निकल के आया बी सी निकल के आया। नैक्सट हूँ देख रहे नैक्सट के अपने को है कि ए और सी पता करना आप तो ए सी किमें पता करना है ए सी पता करने वास्ते आप माइनस दो दे एक माइनस करा माइनस दो दे माइनस का एक स्क्वायर प्लस फिर आ माइनस ग्यारह के किन्ने पांच माइनस करा माइनस के ग्यारह के पांच माइनस दे और उपर पावर दो तो ए वाले किन्ने बन गए माइनस दो और माइनस एक टोटल तीन रुपये देने हैं और माइनस ग्यारह पांच माइनस सोलह रुपये देने हैं तो तीन गुणा तीन कि बनया नौ और सोलह गुणा सोलह कि दो सौ ते छपंजा भी दो सौ छपंजा तो नौ कि बन गया दो सौ ते पैंठ भी ठीक है। ए वाला कि बनया दो सौ पैंठ बनया और ए वाला दो सौ बारह बनया और रूट पांच बनया तो की ए वाले किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ रहा भी नहीं आ रहा ना तो जे नहीं आ रहा बराबर तो ए वाले बिंदु उन्हें की शब्द बोलिया की ये बिंदु सामने की हैं आप कहे नहीं ठीक है आप कहे नहीं तो ठीक है। देखो पेपर के सोच रहे हो कि नहीं हाँ नहीं हाले थोड़ा क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि उन्हें एवें दे देना है कि ये बिंदु सामने की हैं ऑप्शन अपने को आएगी ऑप्शन आएगी पहली होगी हाँ दूसरी आएगी नहीं तीसरी ऑप्शन आएगी जाता जा हाँ ते जा फिर नहीं ते चौथी ऑप्शन आएगी ना विचो कोई नहीं तो अपना आंसर की आएगा अपना आंसर आएगा नहीं आप ये बड़ा लाना नहीं ठीक है। तो चलो अज की जी क्लास आप इतने ही खत्म करते हैं आई होप तुम ये चीज़ा सारिया समझ आई होगी ठीक है। ये क्वेश्चन होर भी बनते हैं वो क्वेश्चन आप अगे करा वो किमें बनते हैं वो आप चार पॉइंट देगा चार पॉइंट देगा दसेगा कि ये किस किस मतलब कि किस तरह के बिंदु हैं तो च चार बिंदु दे दिते तो आपको पता है कि चार बिंदु जी है कि कर देंगे एक चतुर्भुज बना दिया तो चतुर्भुज ये भी अगे ना कई नाम होंगे जिमें वर्ग हो गया रैक्टेंगल हो गया है ना रैक्टेंगल आयत होगी तो की हो करेगा जे तो देखो वो सारिया भुजाव बराबर आ गई आ दोनों डायगनल भी आपस के बराबर आ गया तो आप वर्ग कह दिया करा जेकर आमने सामने वाली यानी कि दो भुजाव ए तो दो ए बराबर आ गई तो यू आप आयत कहे जेकर सारिया भुजाव बराबर आ गई पर डायगनल बराबर नहीं आए ए वाले तो यू आप सम चतुर्भुज कह देंगे तो जे कोई भी भुजा बराबर ना आई तो वह फिर किड़ी दिखती है कोई भी भुजा ना बराबर हो देखो एक कंडीशन होगी कि आमने सामने वाली बराबर होंगे है पर उन्होंने डायगनल बराबर नहीं होंगे तो जेकर डायगनल बराबर ना हो समांतर होंगी है डायगनल बराबर हो आयत होंगी है जेकर कोई भी भुजा बराबर ना हो तो सामने लंब चतुर्भुज कहने होंगे ठीक है। तो यह चीज़ तुम ज्योमेट्री के पीछे जाके देख सकते जी ठीक है। तो चलो आई होप तुम सारों ये चीज़ समझ लगी होगी और आप अज तो शुरुआत कर रहे हैं अज तो बाद हर एक डेली तुहाडी जिहड़ी वीडियो की है अपलोड होया करेगी एक मैथ की और नाल दी नाल एक इंग्लिश की भी इंग्लिश भी जिहड़ी है मैं जिहड़ी प्लेलिस्ट बनाई है उहदे उत्ते लिखा कि इंग्लिश फॉर कंपीटिटिव एग्जाम कंपीटिटिव एग्जाम की इंग्लिश है लेकिन तुहाडे जिहड़ी है तुसीं जिहड़ी ग्रामर करोगे ईटीटी 94 वाली जिहड़ी ग्रामर उहदे विच भी तुहानूं हैल्पफुल होएगी भी ठीक है। तो वह चीज़ तुसीं जरूर देखनी है इंग्लिश वाली और ये रैगूलर तुहाडी मैथ की क्लास चलिया करेगी।
ठीक है। तो तुम देखो अपने ज्यादा तो ज्यादा सबसक्राइबर जोड़ने भी अपने फ्रेंड सर्कल जिन्ना भी है, क्योंकि जो तुम तैयारी कर रहे हो तो तुहाडे नाल वाले भी तो कर रहे होणगे, ठीक है ना। तो तुम उन्होंने सारे ये चैनल अगे शेयर जरूर करना भी, ठीक है। शेयर करोगे तो डाटा ज्यादा जिन्ना ज्यादा साडा वाच, देखो वाच टाइम बहुत घट हो रहा भी, सिर्फ मैं 3, 4, 5, 7, 10 तक कमेंट आते हैं कि वीडियो बनाइया जाए, सानू पता लगता रहता कि वाचिंग टाइम घट हो रहा। जो वाचिंग टाइम ज़्यादा तुम बताओगे पता लग जाता कि कहड़ी वीडियो में ज़्यादा लोग वेख रहे हैं, सारा कुछ सानू पता चल जाता है। तो जेकर तुम इस चीज़ को ज़्यादा अगे प्रमोट करोगे ज़्यादा चलाओगे तो फिर असी होर भी सबजैक्ट जी कैमिस्ट्री है ना, जो तुम कहने पंजाब के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं भी कैमिस्ट्री तो, लास्ट जिहड़ियां 65-35 आईयां सी वैकेंसीज मैरिट क्यों गई है, सिर्फ नैगेटिव मार्किंग ना होने बावजूद है ना, नैगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद भी 60 नंबर वाला 61 नंबर वाला या 65 नंबर वाले तो जा रही है मैरिट। तो यह मतलब की है कि पेपर थोड़ा जहा देखो औखा कैमिस्ट्री करके औखा सी ना, कैमिस्ट्री तो कैमिस्ट्री की क्लास साइंस की क्लास शुरुआत करा जेकर वाचिंग टाइम बताओगे थोड़ा ज़्यादा शेयर करोगे व्यू ज़्यादा आने लाइक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।